देख रहे हो भाई, चाबी दे रहे हो फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। मतलब अभी मैं हूँ माथाभंगा के आसपास एंड बाइक मेरे को ऐसे धोखा देगी, मेरे को कभी पता नहीं था भाई इतना कॉस्टली बाइक। भाई सेकेंड सर्विस कराया जस्ट एक महीने डेढ़ महीने हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब ऐसे धोखा देगी मेरे को कभी पता नहीं था भाई, क्या करूँ भाई, दिमाग में नहीं आ रहा है भाई। न्यू ब्लॉग, सो हे गाइस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं आज घर से वीडियो स्टार्ट, मतलब इतना जल्दी मैं हूँ तो वीडियो घर से नहीं हो स्टार्ट हो पाया। तो घर से मैं ऑलरेडी 6 किलोमीटर आ चुकी हूँ एंड ये नया फ्लाईओवर बने हैं मैनागुड़ी के आसपास। मैं जाऊँगा कोचबिहार, बहुत ही ट्रेंडिंग प्लेस पे, एंड तो मैं सोच रहा हूँ कि कोचबिहार जाऊँ पर टाइम नहीं हो पा रहा है। तो आज सबसे मैं गाइस वेदर देख के मैं निकल पा रही हूँ कि आज जाऊँगा, बस जाऊँगा, मतलब जाऊँगा। तो पहले से बहुत ही ज़्यादा रोड को मक्खन बना दिया भाई साहब, और मेरे फ्यूल इंडिकेशन देखा रहे भाई लो, तो इसको भी फ्यूल अप करना पड़ेगा। और जलपाईगुड़ी से कोचबिहार का डिस्टेंस 130 है, क्योंकि मैं जाऊंगा पालाकाटा रोड से, नहीं जाऊंगा क्योंकि उस वाला रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैं जाऊंगा माथाभंगा होके, तो माथाभंगा होके जाने से भाई थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है, मतलब 20 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो जो रोड है पालाकाटा तक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए भाई थोड़ा रोड बड़ा हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पर रोड मेरे को सही चाहिए बस। तो चलो थोड़ा सा और लगाते हैं एंड पूरा रोड ब्लॉक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ब्लॉक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसी के कारण। और फिलहाल टाइम हो रहा है, आप लोग को दिखा देता हूँ, फिलहाल टाइम हो रहा है 1:15। तो आई थिंक कोचबिहार जाने में मेरे को लगेगा 2 घंटा अभी तक, क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया एंड मैनागुड़ी अभी तक नहीं पहुंचा हूँ मैं। मैनागुड़ी घर से मैनागुड़ी 2-3 किलोमीटर बाकी है भाई। ठंड तो भाई जबरदस्त हो रखी है भाई, ठंड पूरा जबरदस्त। और मैं अभी देखा हूँ, मैं शिवाई बाड़ी बोल के कुछ प्लेस पे हूँ, जूम पर है भाई, क्या नाम, प्रोनाउंसिएशन आई थिंक ठीक ही है मेरा, जूम पर है जो। माय गॉड भाई साहब, बहुत ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। धूपगुड़ी सीधा मैनागुड़ी लेफ्ट साइड एंड जलपेश राइट साइड। तो फिलहाल मैं गाइस अभी हूँ भुक्शिया ढांगा में भी कुछ बोल के ऐसा। तो जिन बाइक में भी ज़्यादा फ्यूल है तो फ्यूल अप भी करेंगे बाइक को फटाफट से। बाइक को भी फ्यूल अप कर दिया एंड सीधा भागेंगे एंड सीधा कोचबिहार जाएंगे डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई साहब, रोड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी देखा है 1 आवर 12 मिनट। बाप रे बाप, मतलब मैं 80 की स्पीड अप कर रहा हूँ भाई, फिर भी दिखा रहा है 1 आवर 12 मिनट। अरे बाप, कब पहुँचेंगे भाई, थोड़ा निकलना भाई, थोड़ा लेट हो गया। रूफ कलेक्शन प्लाजा बोल के कुछ, ये टोल अभी तक बना नहीं भाई। माथाभंगा लगेगा 47 मिनट अभी तक, इधर से दूर है भाई साहब बहुत ज़्यादा। सही जा रहा हूँ, तो सही जा रहा है भाई, सही जा रहा हूँ। ओ माय गॉड भाई साहब, इधर से ट्रेन,
आपको नजर आएगा, इधर रोड है, इधर ट्रेन का रेल लाइन है, बहुत सेक्सी रोड है भाई। वहाँ सही है भाई, सही है, बेस्ट भाई बेस्ट। बीएसएफ कैंप, ये है बांग्लादेश बॉर्डर, बहुत सेक्सी भाई। दोनों साइड भाई ग्रीनरी एंड आलू के पौधे, छोटे छोटे आलू के पौधे एंड बहुत सारा ग्रीनरी भाई। देखो बहुत अच्छा लग रहा है भाई रोड, सच में बहुत सेक्सी रोड है। एंड रोड भाई बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं है खराब रोड है भाई, बहुत ही, रोड भी बहुत अच्छा है एंड व्यू भी बहुत अच्छा है। शायद आते आते भाई गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली भाई बंद हो गया भाई। ये देखो चाबी दे रहे हो फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, देख रहे हो भाई चाबी दे रहे हो फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। मतलब अभी मैं हूँ माथाभंगा के आसपास एंड मैं इधर से अभी इच्छानगर बोल के कुछ जगह पे हूँ, अभी सामने देख रहे हो भाई। तो गाड़ी का चाबी दे रहे हो फिर भी चाबी ऑन नहीं हो रहा है, गाड़ी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई। अभी क्या करूँ मेरे को खुद भी पता नहीं भाई, इसको गाड़ी को लोड करो या कुछ भी लेके जाओ, मतलब बहुत ही टेंशन में हूँ अभी। गाड़ी को घर लेके जाना पड़ेगा, वरना कोचबिहार में सर्विस सेंटर है उसी पे लेके जाना पड़ेगा। कोचबिहार में एक शोरूम है, सर्विस सेंटर है कि नहीं मेरे को सच में गाइस पता नहीं। बाइक मेरे को ऐसे धोखा देगी, मेरे को कभी पता नहीं था भाई इतना कॉस्टली बाइक। भाई सेकेंड सर्विस कराया जस्ट एक महीने डेढ़ महीने हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब ऐसे धोखा देगी मेरे को कभी पता नहीं था भाई, क्या करूँ भाई दिमाग में नहीं आ रहा है भाई। मैं कोचबिहार ऑलमोस्ट इधर से 30 किलोमीटर कोचबिहार पड़ती माथाभंगा से एंड मैं घर से आ चुकी 70 प्लस किलोमीटर। तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, क्या करूँ भाई। कोचबिहार जाना मेरा फुलफिल कैंसिल हो गया भाई, मतलब दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है। एक ही फ़ोन है, एक ही कैमरा से मैं शूट करता हूँ, एक ही सब कुछ करता हूँ, अभी फ़ोन करूँगा अभी क्या करूँ, मेरा दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है भाई। तो अभी भाई वीडियो ऑफ करना पड़ेगा भाई, पहले घर जाऊँ उसके बाद मैं आप लोग को सब कुछ शेयर करूँगा।